नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं हूं शमशुद्दीन। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ पहुंची है हरिमोहन घोष कॉलेज वार्ड नंबर 133 में, जहां के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब रंजीत सिल साहब। आज फोटो सेशन का सेकंड डे है, आइए इनसे बात करेंगे और अंदर की तरफ चलेंगे कि किस तरह से फोटो सेशन का काम चल रहा है एडमिन के साथ। आइए सर अंदर की तरफ आइए। रंजीत सर, सर ये बताइए जो आज सेकंड सेशन चल रहा है फोटो का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो ममता बनर्जी का प्रोग्राम है, बंगाल में हर आदमी का 10 करोड़ आदमी है, 10 करोड़ आदमी को हेल्थ कार्ड को अंदर ममता बनर्जी ले रहे, तब हर आदमी को ये स्वास्थ्य साथी कार्ड का सुविधा मिल रहा है। आज हमारा सेकंड फेज है, ये फेज में 1300 करीब आदमी को आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलेगा और उसके बाद भी आगे भी है, तो अब इस कम से कम 800 करीब हम लोग को हो गया, 800-900 करीब हो गया, अभी भी चल रहा है, तो पूरा काम आज हो जाएगा 1300 करीब। तो ये तो अच्छा चीज़ है, और ऐसा ममता बनर्जी हर टाइम बंगाल का आदमी का लिए हर टाइम कोई ना कोई डेवलप का काम करता है। जैसा आपको मालूम है कन्याश्री रूपोश्री ये जो पब्लिक का हेल्प मिल रहा है, ये हेल्थ कार्ड जो स्वास्थ्य साथी ये भी पब्लिक का मिल रहा है, तो ऐसा हेल्प हम लोग हर शाम करता है हर टाइम। ममता बनर्जी एक ही आदमी है जो आदमी का आमाम का लिए चिंता करता है, जिस उसको भला हो, आदमी का भला हो यही सोचता है। सर एक चीज़ ये देखा गया है कि कोविड-19 में CM ममता बनर्जी पहली CM है पूरे हिंदुस्तान में जो रोड पे उतर के कोविड-19 में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही थी, उसके बाद बहुत सारा फैसिलिटीज दिया गया और जो लॉकडाउन में बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे थे, गरीब बच्चे ऑनलाइन, उनको 10,000 रुपये एज ए गिफ्ट भी दिया गया ताकि वो टैब ले सके, इस बारे में क्या बोलेंगे? वो जो गिफ्ट दिया है जो क्लास उच्च माध्यमिक पढ़ता है उसको मोबाइल का लिए उसको पैसा दिया 10,000, ये तो अच्छा वादा है। अब गरीब घर का लड़का किसी का मोबाइल नहीं है, वो तो ऑनलाइन में कैसे अप्लाई करेगा, इसलिए ममता बनर्जी बोला जितना उच्च माध्यमिक पढ़ता है सब कोई को लिए हम 10,000 करके देगा, कि हमारा देश का आदमी हमारा बंगाल का कोई भी लड़का जो कोई एक मोबाइल का लिए वो ऑनलाइन में परीक्षा नहीं देने सकेगा ये नहीं चलेगा। सर एक चीज़ ये भी देखा गया है कि कोरोना वैक्सीन जो आया है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के 13 स्टेट में कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है, ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया पूरे बंगाल के 10 करोड़ लोगों के लिए, पूरी आबादी के लिए, कि यहाँ कोरोना वैक्सीन जो है मेरे बंगाल वासियों के लिए मुफ्त होगा, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए हम लोग चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट सब कोई को वैक्सीन दे और सब फ्री कर दे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो बात करता है वो काम नहीं करता है, लेकिन ममता बनर्जी बोला कि हम सब लोग को लिए करेंगे, तो ये भी बात सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगा तो ममता बनर्जी जरूर करेगा। सर एक चीज़ देखा गया है जहां अपोजिशन बीजेपी का बंगाल का दिलीप घोष बोलता है कि स्वास्थ्य साथी स्कीम कार्ड जो है 10 साल जो ममता बनर्जी काम किया 10 साल कार्ड है ये फ्लॉप है, नाकाम है, और फिर देखा जाता है कि उसी के घर का आदमी स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया है, इस बारे में क्या बोलेगा आप? आप तो आंसर दे दिया। नहीं नहीं आप बोलिए, आप क्या बोलेगा इसके बारे में, आप क्या बोलेगा? मैं आंसर नहीं, हम लोग को जो रिपोर्टिंग पड़ा है वो पूछा, मेरा सवाल है आपसे इस बारे में आपको बात सही। देखिए स्वास्थ्य साथी कार्ड ममता बनर्जी पहले भी किया और अब भी 10 करोड़ आदमी का लिया, अब ओपोनेंट जो आए वो चिल्लाता है चिल्लाने दीजिए, और देखिए चिल्लाता भी है और घर का आदमी का बोलता है ले तुम लो, अतः वो डेवलप का लिए जो आता है वो लेता है और फिर जाके दूसरा बात बोलता है। ये तो कुछ दिन आगे बोला जे MLA FMLA काउंसिलर ये लोग को, देखिए बात वो नहीं है, जो कोरोना का टाइम फोन लाइन में था उसी को पहले मिलना चाहिए। हम एक बात बताता है यहाँ का काउंसिलर होके बोरो 15 का चेयरमैन होके, ओपोनेंट जो है CPM वाला बोलिए कांग्रेस बोलिए BJP बोलो, कोरोना का टाइम कहाँ था वो लोग ये पहले सोचिए, आम जनता पूछता है जे कहाँ तुम लोग था, एक रंजीत सिल टोटल मोहल्ला में घूमा है, कोई कोरोना फोरोना हम सोचता नहीं था, हम चाहता रहा जे हमारा भाई जैसे बच जाए। सर एक सवाल अब यहाँ पे ये भी उठता है
कि ममता बनर्जी ने ऐलान किया शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम से लड़ने का, अपोजिशन बोलता है ममता बनर्जी को अपना सीट भवानीपुर का खतरे में लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का प्राइम मिनिस्टर है, मालूम है, मुख्यमंत्री है, सीएम है, तो कोई भी सीट में खड़ा होने सकता कोई आदमी। अब वो लोग जो चिल्लाता है ये डर का मारे, बहुत से हम सुना है टीवी में, देखिए ज्योति बसु बड़ानगर में था, सदगासिया में खड़ा हुआ था, मालूम है, कांग्रेस का राहुल गांधी दो जगह में खड़ा था, मालूम है, मोदी भी दो जगह में खड़ा था, मालूम है, लेकिन ममता बनर्जी जब नंदीग्राम घोषणा कर दिया वो बीजेपी वाले लोग को हवा लग गया, भागना शुरू कर दिया, चिल्लाने शुरू कर दिया, कहे ममता बनर्जी ऐसे खड़ा होगा, अरे ममता बनर्जी कहे खा खड़ा होगा नहीं कर तुमसे पूछेगा, तुम बोलने वाला कौन है, हिम्मत है तो टक्कर लड़ो, बाप का बेटा है तो टक्कर लो ममता बनर्जी से, तब देख लेगा। सर 2021 में कितना सीट ला रहा है टीएमसी, ये बताइए आप, शुभेंदु अधिकारी बोला 200 के पार, आप बताइए, आप ममता बनर्जी के सिपाही, आप ममता बनर्जी के सिपाही हैं, रंजीत सेल बोर्ड ऑफ एक्स चेयरमैन बोर्ड ऑफ 15 है और 24/7 काम कर रहा है रंजीत सेल, आप ग्राउंड जीरो पर ये बताइए कितना सीट ला सकता है 2021 में? बहुत से आदमी सपना देखता है, बोलता है 200 सीट, क्यों बोलते 180 सीट, लेकिन हम लोग बोलता है 200 प्लस करेंगे, और जो लोग बोलता है मोदी का सपना देखिए, ये बंगाल आए, बिहार नहीं आए, ये गुजरात नहीं आए, ये बंगाल आए, बंगाल का आदमी जानता है जो कौन क्या हमारा लिए करेगा, कौन करता है। रंजीत दा लेफ्ट और कांग्रेस जोट होके लग रहा है, लेफ्ट और कांग्रेस जोट होके लग रहा है, अब बोल रहे हैं ममता बनर्जी तो खुद बीजेपी का टीम है, तो इस बारे में क्या बोलेगा आप? ओपोनेंट का क्या बोलने वाला है, लेफ्ट और जो कांग्रेस को आप बोल रहे हैं, भुट्टा चिंता भुट्टा भुट्टा बन जाएगा, भुट्टा मकाई मकाई हो जाएगा, मकाई हो जाएगा। आखिरी सवाल, आप आने वाले इलेक्शन 2021 में बंगाल की आवाम को और कलकत्ता की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, अमन शांति के साथ टीएमसी के सिपाही होने के साथ साथ? देखिए बंगाल में कोई जात पात का लड़ाई नहीं है, बंगाल का एक ही चिंता है जो डेवलप, यहाँ का हम लोग का भाई बहन जो भी बोलिए उन लोग को नौकरी पढ़ाई अच्छा से रहे, यही चिंता है बंगाल का, यही करेगा। अब देखा है एक बात बोलता है, आज हमारा उम्र है 69, लेकिन यहाँ से हम 78 से यहाँ 72 से है, सुनिए, तो हमसे बहुत से एमएलए देखा, कांग्रेस का सीपीएम का एमएलए देखा, आप बताइए ये बॉबी हाकिम पोर्ट बंदर का एमएलए है, ऐसा जो डेवलप किया है, आगे पीछे में कौन से एमएलए था ऐसा डेवलप करने सीखा, एक बात तो बॉबी हाकिम जो ब्रिज बनाया, जो अब रास्ता दे गए, बाहर से विदेश आदमी आता रहा है, कोई दूसरा प्रोविंस से आता रहा है, बोलता रहा है पोर्ट बंदर है, गड्ढा है, ई है, वो का है, अभी देखिए कैसा बन गया, ये देखिए अबुल कलाम स्कूल बन गया, मोदी अली गर्ल्स स्कूल बन गया, ये है डेवलप, इसका नाम है बॉबी हाकिम। सर नेशनल इंटीग्रेशन पे क्या बोलेगा आप? नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सिख ईसाई पे क्या बोलेगा आप? देखिए वो लोग तो ईसाई है, हमारा खून हाथ लाल है, देखिए दोनों हाथ देखिए लाल नहीं है, लेकिन मोदी का हाथ लाल है, वो गुजरात का दंगा में खून लगा हुआ है उसका हाथ में, वो खूनी है, दंगाबाज है, यही है नेशनल। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं तो इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट फोटो सेशन सेकंड, द्वारा सरकार 100 साथी जो कि इंश्योरेंस का है वो कार्ड जो आज यहाँ फोटो सेशन चल रहा है रंजीत सेल साहब के वार्ड में जो कि वार्ड 133 है जिसके रंजीत सेल साहब कोऑर्डिनेटर हैं और इनकी पूरी कोशिश से आवाम के साथ पूरा ये सहयोग कर रहे हैं पूरी मदद कर रहे हैं इनके कार्ड बनाने में। आइए इनके साथ चलते हैं और देखेंगे किस किस तरह से काम किया जा रहा है। रंजीत दशोल नाम दसोंगे भाई, एक्टू चोरियन एक्टू भाई एक्टू चोरियन
জোরে কাজ করতে হবে একটা কার্ড রেডি করে দাও নাজরিন ये देखिए आप जहाँ पे किनका कार्ड है रेडी कार्ड तो दो सपना सपना एक मिनट एक मिनट चेट टैक्स छोड़ दो और दिखे चल जाओ दो दिखे चल जाओ आप आपका नाम क्या है नाजरीन ये देखिए 133 का कोऑर्डिनेटर रंजीत सेल आईडी साथी आईडी कार्ड दे रहे हैं मैम आपका क्या नाम है सपना केसरी आपको कैसा महसूस हो रहा है आईडी कार्ड मिलने के बाद खुशी हो रहा है खुशी में खुशी हो रहा है हाँ। 5 लाख का ऑप्शन है फ्री फ्री आपको बहुत खुशी है ममता बनर्जी की तरफ से हाँ बहुत खुशी रंजीत सेल साहब कैसा काम कर रही है बताइए अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं खुश है बहुत खुश है चलिए रंजीत दा এখন আপনি কাল দিয়েছেন কেমন আনন্দ পাচ্ছেন আপনি সেটা বলুন আমি সব সময় আমার ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি মানুষের সাথে আমি রিলেশন রাখি সবার সুখ দুঃখে পাশে থাকি অর্থাৎ আমাকে যেমনি এই অঞ্চলে মানুষ ভালোবাসে আমিও এখানকার মানুষকে ভালোবাসি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রঞ্জিত আই আর দেখতে এস তরফ দেখিয়ে এস তরফ পুরো সিস্টেম লাগা হুয়া হ্যায় কিস তরহ সে ডাটা এন্ট্রি হো রহা হ্যায় ফোটো হো রহা হ্যায় ফিঙ্গার সে স্ক্রিন হো রহা হ্যায় দেখিয়ে ফোটো দেখিয়ে কিস তরহ সে ফোটো হো রহা হ্যায় কিস তরহ সে ফোটো কিয়া যা রহা হ্যায় উসকে বাদ वहाँ कुछ डाटा एंट्री होगा ये देखिए फिंगर्स ये देखिए फिंगर्स स्कैनिंग ये देखिए फिंगर्स स्कैनिंग हो रहा है आईने की तरह साफ है कोऑर्डिनेटर 133 रंजीत सेल किस तरह से काम करा रहे हैं आइए इस तरफ देखेंगे देखिए यहाँ पर बच्चा है एक छोटी सी बच्ची है देखिए ये बच्ची का भी फिंगर पॉइंट लिया जा रहा है सर ये देखिए ये बच्ची का फिंगर पॉइंट देखिए किस तरह से लिया जा रहा है दर्पण आईना झूठ नहीं बोलता वार्ड नंबर 133 रंजीत सेल का वार्ड रंजीत दा এখন আমরা দেখছি যে সমস্ত কাজটা যেরকম ভাবে আপনারা কোঅপারেট করছেন লোকের সঙ্গে ওয়ার্ডের লোকের সঙ্গে যুক্ত তাহলে আপনি কিরকম ভাবে আনন্দ পাচ্ছেন আর লোকরা কিরকম ভাবে স্যাটিসফাই আছে আপনার কাজকে নিয়ে সেটা বলুন প্রথম কথা শুধু আজকে বলে কথা নয় আমি যেদিন থেকে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি আর মানুষ যেদিন থেকে আমাকে আশীর্বাদ করেছে সেই দিন থেকে আমি মানুষের সঙ্গে আছি গার্ডেনগিজে কোনো মানুষ বলতে পারবে না এই রঞ্জিত সিলের কাছে গিয়ে আমি এই কাজটা পাইনি এবং সেটা আমি দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করি এবং মানুষের পাশে থাকি এই এমনই একটি কাউন্সিলর আছে সকালবেলা বাইক নিয়ে রাউন্ড দিয়ে বেড়ায় ওয়ার্ডে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমি আমার ওয়ার্ড রাউন্ড দিই তারপরে গিয়ে অফিসে বসি সকালবেলা 9:30 থেকে 10:30 অফিসে বসি আবার ওখান থেকে কর্পোরেশনে যাই কর্পোরেশন থেকে আবার বিকালবেলা ফিরে আমি 6:00 থেকে 9:00 পর্যন্ত আমার অফিসে বসি যে মানুষ আসে যখন যা কাজের জন্য তার সেই কাজগুলো আমি করি এটাই আমার নেশা ধরতে পারেন পেশা নয় কিন্তু এটা আমার নেশা রাজনীতি আমি মানুষের জন্য করি আমার ছোটোবেলা থেকে মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসি মিস্টার রঞ্জিত সেন বলেছেন এনি এনি মানুষ এনাকে জিতিয়ে এনেছেন কাজের জন্য এনি কাজের লোক এনি যখন অব্দি বাঁচতে থাকবেন মানুষের সঙ্গে থাকবেন মানুষের গায়ে থাকবেন আপনি দেখতে থাকুন দ্য লোকাল জার্নালিস্ট 24/7 আপনি আমাদের চ্যানেলকে লাইক করুন সাবস্ক্রাইব করুন আর শেয়ার করুন আমি শামসুদ্দিন হরিমোহন ঘোষ কলেজ থেকে পারপুর রোড গার্ডেন থেকে বহুত বহুত শুক্রিয়া আসুন।